हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीधर और मैं पिछले 46 ईयर से सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड पेशेंट्स का आयुर्वेद पद्धति के द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक तथा बिना किसी साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट करता आ रहा हूं। मेरे बहुत से व्यूअर्स और मेरे पेशेंट्स मुझे लिंग के साइज के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि लिंग का नॉर्मल साइज़ कितना होना चाहिए या लिंग का साइज़ जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर बढ़ाया जा सकता है तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर जो है वो इफ़ेक्टिव है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लिंग के साइज़ के बारे में। तो इस वीडियो में मैं अपनी भाषा को बहुत ही सरल तथा मेडिकल टर्म जो है वो कम से कम इस्तेमाल करूँगा ताकि ये मेरी वीडियो जो है वो एक लेमैन को या कॉमन मैन को पूरी तरह से समझ आ सके और हम इसे पॉइंट्स के रूप में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर वन, जो मेल या पुरुषों में जो लिंग होता है वो तीन स्पंज मसल के मिलने से बनता है और ये तीनों स्पंज मसल जो हैं वो इरेक्टाइल टिश्यू से बने हुए होते हैं और हाईली इलास्टिक होते हैं, यानी कि ये अपनी ओरिजिनल लेंथ से 2.5 गुना तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये लिंग जो होता है इसकी दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है फ्लिसिड स्टेट और दूसरी होती है इरेक्टेड स्टेट। फ्लिसिड स्टेट का मतलब है लिंग का ढीलापन, जो ढीली अवस्था में लिंग की जो लंबाई मोटाई होती है उसे हम फ्लिसिड स्टेट कहते हैं। और जो सेक्सुअली अरोज्ड या सेक्सुअली एक्टिव पीनस की जो लंबाई मोटाई होती है उसे हम इरेक्टेड पीनस कहते हैं। तो एशियन पीपल में जो फ्लिसिड पीनस है उसकी लंबाई 1 से 3.5 इंच तक मानी गई है और इरेक्टेड पीनस की लंबाई जो है वो 4 से 6.5 इंच तक नॉर्मल मानी गई है। तो इसलिए जो फ्लिसिड पीनस है उसका काम है कि वो हमारे शरीर से यूरिन को एक्सक्रीट करता है और जो इरेक्टेड पीनस है वो हमारे शरीर से सीमन को एक्सक्रीट करता है। मतलब कि खड़े लिंग पर हम यूरिनेशन नहीं कर सकते और ढीले लिंग पर हम अपना सीमन जो है उसको एक्सक्रीट नहीं कर सकते। इसलिए दोनों स्टेट्स का, या फ्लिसिड स्टेट और इरेक्टेड स्टेट का, अपना अपना इंपॉर्टेंस है या अपना अपना महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हमारा लिंग जो है इरेक्ट होता है उसमें दो प्रेशर मेंटेन होते हैं, एक है एक्सियल प्रेशर और दूसरा है रेडियल प्रेशर। एक्सियल प्रेशर जो है वो फ्लिसिड पीनस में 35 mm ऑफ मर्करी तक होता है तथा जब ये पीनस इरेक्ट होता है या सेक्सुअली इरोज्ड होता है तो उस वक्त ये प्रेशर जो है 90 से लेकर 100 mm ऑफ मर्करी तक पहुँच जाता है। यहाँ पर बताने योग्य बात ये है कि अगर जिन लोगों का पीनस 7.5 इंच या 7 इंच से ज़्यादा होता है उन लोगों का एक्सियल प्रेशर ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट या ड्यूरिंग पेनिट्रेशन जो है वो ड्रॉप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब लिंग में हड्डी नहीं होती। इसलिए अगर जब हम लिंग को पेनिट्रेट करते हैं और लिंग का साइज़ जो है 7.5 इंच से ऊपर है तो बकलिंग ऑफ पीनस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बकलिंग ऑफ पीनस का मतलब होता है कि पेनिट्रेशन के दरमियान लिंग जो है आगे से मुड़ जाता है या फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट जब ये एक्सियल प्रेशर ड्रॉप करता है तो लिंग करते करते, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते करते लिंग जो है वो ढीला पड़ जाता है। तो इसलिए जिन लोगों का लिंग ज़्यादा लंबा होता है उनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी के और बकलिंग के चांसेस जो हैं कंपैरेटिवली बाकी पेशेंट्स के अलावा ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बहुत से लोग जो है अपने पीनस की साइज़ की असेसमेंट के लिए ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, जिसे उन्हें अपना पीनस जो है बहुत छोटा और बहुत कमज़ोर नज़र आता है। तो टेक होम मैसेज ये है कि जब भी आपने अपने पीनस की लेंथ ब्रेथ या लंबाई मोटाई देखनी हो और उसको असेसमेंट करना हो तो लिंग को हमेशा इरेक्टेड पोजीशन में और मिरर के सामने देखना चाहिए, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो ये 2 डायमेंशंस हैं। ये इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूज़न। आदमी जो है वो 3 डायमेंशंस में देखता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो ये 2 डायमेंशंस बनते हैं। जब हम इरेक्टेड पीनस को मिरर के सामने देखेंगे तो ये 3 डायमेंशंस के आसपास आ जाता है और हमें अपने लिंग के साइज़ लंबाई मोटाई का सही ज्ञान जो है वो हो जाता है। तो इसलिए जब भी लिंग को देखना हो उसे इरेक्टेड स्टेट में और मिरर के सामने ही देखना चाहिए। कुछ लोग हमारे पास आते हैं पॉर्न मूवीज़ देख के और हमें ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा लिंग जो है उनके मुकाबले में बहुत वीक है या बहुत छोटा है या बहुत पतला है या बहुत उसकी लंबाई मोटाई उनके बराबर नहीं है।
तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि शायद आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा कि जब भी पॉर्न मूवीज़ शूट की जाती हैं तो उसमें जो सेक्स परफॉर्मर होता है, मेल सेक्स परफॉर्मर होता है, उसको ओरल मेडिकेशन के साथ साथ उसके पीनस के बेस के ऊपर एक इंट्रापिनाइल इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंट्रापिनाइल इंजेक्शन से उसका लिंग जो है 6 से 8 घंटे के लिए उसकी लंबाई, मोटाई, इरेक्शन जो है पूरी तरह से मेंटेन रहती है और वो इमोशनलेस होती है। आपने देखा होगा कि वो पॉर्न मूवी में एक ही आसन को या एक ही पोज को या पोजीशन को बार बार ट्राई करते हैं, कभी एक पोजीशन को ट्राई करते हैं, फिर दूसरी पोजीशन ले लेते हैं, फिर तीसरी पोजीशन ले लेते हैं, फिर पहली पोजीशन में आ जाते हैं, तो वो बड़े कॉन्फिडेंटली उस पोजेस को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर ये बात है कि उनके लिंग में इमोशंस नहीं होते, वो सिर्फ एक वुडन हार्ड या फार्माकोलॉजिकली एक केटर किया हुआ एक लिंग होता है जिसको हम देखते हैं, और उसके बाद आता है कैमरा ट्रिक्स या जिसको ऑप्टिकल इल्यूजन्स बोलते हैं। कैमरा ट्रिक्स से उस पीनस को लंबा, मोटा और हर तरह से वो ठीक दिखाया जाता है। तो इसलिए टेक होम मैसेज इसमें ये है कि कभी भी पॉर्न्स को देखकर ये मत सोचो कि हमारा लिंग भी इतना लंबा, मोटा और हम इतनी आसानी से परफॉर्म कर सकेंगे, ये नहीं हो सकता। एक फ्रेज़ है कि फिल्मी वर्ल्ड में, जो फिल्मी दुनिया है, इसमें जो कांच के हीरे हैं वो भी कैमरे के सामने हीरे की तरह चमकते हैं। फीमेल वजाइना के बारे में, फीमेल वजाइना की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, फीमेल की वजाइना या योनि जो है वो 6 इंच लंबी होती है और उसमें सिर्फ 2 इंच का बाहरी जो एरिया होता है वो सेंसिटिव होता है, उसमें मैक्सिमम नर्व एंडिंग्स होती हैं, और बाकी का अंदर का जो 4 इंच का एरिया होता है वो वर्चुअली इनसेंसिटिव होता है, उसमें नर्व एंडिंग ज़्यादा नहीं होती। इसलिए अगर आपको अपने फीमेल सेक्सुअल पार्टनर को एरोज करना है और उसे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो है पूरी तरह से देनी है, तो आपको इस 2 इंच के एरिया के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पर नर्व एंडिंग सबसे ज़्यादा है। तो इसमें टेक होम मैसेज ये है कि अगर किसी मेल पर्सन का लिंग 3 इंच से ऊपर है या 3 इंच प्लस है और वुडन हार्ड है और उसमें रिजिडिटी जो है या सख्ताई जो है वो पूरी है, तो वो अपने फीमेल पार्टनर को सेक्सुअली एरोज कर सकता है और उसे एक बहुत ही वंडरफुल सेक्सुअल जो है सेंसेशनल, जिसको बोलते हैं हम सेक्सुअल क्लाइमैक्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर लिंग की लंबाई मोटाई बहुत ज़्यादा हो तो जो हमारा फीमेल पार्टनर है वो इजीली सेक्सुअल अरोज हो जाएगा या उसको जो क्लाइमैक्स है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, तो ये एक मिथ है, ये एक गलत धारणा है। जिस योनि में या वजाइना में आपने अपना लिंग जो है इंसर्ट करना है, उसी योनि या वजाइना से फीमेल जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फुट लंबा और 1 फुट चौड़े सिर वाला बच्चा, न्यूली बॉर्न बेबी, उसी वजाइना से बाहर निकालती है। इसलिए ना तो आप अपना लिंग जो है वो 1.5 फुट लंबा कर सकते हो और ना ही उसको 1 फुट चौड़ा कर सकते हो या मोटा कर सकते हो। तो इसमें टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपका लिंग जो है वुडन हार्ड है और 3 इंच प्लस है, तो आप अपने फीमेल पार्टनर को सेक्सुअली ग्रेटिफाई कर सकते हैं या उसको एक अच्छा क्लाइमैक्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फीमेल की वजाइना के 2 इंच के अंदर अंदर 2 ग्लैंड होते हैं। ये 2 ग्लैंड जो है फीमेल को सेक्सुअली अरोज करते हैं या उसको क्लाइमैक्स तक लेके जाते हैं। एक है जी स्पॉट और दूसरा है स्कीन्स ग्लैंड। जी स्पॉट जो है वो भी मेल पीनस की तरह इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बनता है और वो भी हाईली इलास्टिक होता है और वो भी अपने ओरिजिनल साइज से 2.5 गुना तक एक्सपेंड कर सकता है। और ये जी स्पॉट एक क्लस्टर ऑफ टिश्यूज़ होता है, क्लस्टर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू होता है, एक ख़ास तरह के टिश्यू होते हैं जिनका एक गुच्छा सा होता है और ये फीमेल की वजाइना के 2 इंच के अंदर अंदर होता है। जब मेल पार्टनर का लिंग उस जी स्पॉट के ऊपर रब करता है तो ये जी स्पॉट जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से एक्सपेंड करना शुरू कर देता है। जिस तरह से आदमी, हमारे पुरुषों का लिंग जो है
वो एक्सपेंड करता है या जो फैलता है, उसी तरह से जी स्पॉट के अंदर भी एक्सियल और रेडियल प्रेशर जो है दोनों मेंटेन होते हैं और ये जी स्पॉट जो है वो स्वेल अप करता है और अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है। जब ये जी स्पॉट क्लाइमैक्स को गेन कर लेता है या अप जो फीमेल पार्टनर है वो एक क्लाइमैक्स तक पहुंच जाती है या काम क्रीड़ा की चरम सीमा तक पहुंच जाती है, तो फिर स्कीन ग्लैंड, वो भी 2 इंच के अंदर ही होता है, स्कीन्स ग्लैंड के ग्लैंड्स के अंदर से एक वीरज के तरह का पदार्थ निकलता है। उसके साथ कुछ एक ड्रॉप्स जो हैं वो यूरिन के भी होते हैं, जिसे हम फीमेल इजैकुलेशन बोलते हैं। और फिर जो है फीमेल इजैकुलेशन जो है ये 1 ml से लेके 5 ml तक होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ क्लाइमैक्स कि वो फीमेल जो है क्लाइमैक्स को उसने कितना गेन किया, उसके हिसाब से ही उसकी इजैकुलेशन होती है। तो अगर किसी पुरुष का लिंग 3 इंच प्लस है और उसमें फुल रिजिडिटी है, पूरी रिजिडिटी है, तो वो अपने पार्टनर को एक सेंसेशनल एरोटिक प्लेयर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक मैसेज या स्लोगन ये भी है कि बिगर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर, ये लिंग के ऊपर स्पेशली जो है वो अप्लाई होता है कि बिगर्स आर नॉट ऑलवेज बेटर। तो मैं आगे आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके मन से लिंग के साइज़ के बारे में कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर देंगे। नाउ कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज़, नंबर 1, नॉर्मली 90% ऑफ द एशियन पीपल हैव 4 to 6.5 inches ऑफ इरेक्टेड पीनस एंड ओनली 1% हैव इरेक्टेड पीनस 7 to 8 inches और इवन मोर देन दैट एंड लेस देन 2% ऑफ द पीपल हैव इरेक्टेड पीनस साइज लेस देन 2 inches एंड दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोपीनस और हाइपोग्रैंडिज्म। नंबर 2, The length of the penis could be increased, but it could not be tailor-made. Number 3, female always feel the strength, not the length. Next, 4th, never make the assessment of your flaccid penis. It's only for urination. Whenever you have to look at your penis or whenever you have to make the assessment of your penis, you must see in front of mirror and in the erected state of penis. Penile tissues are highly elastic and they can expand up to 2.5 times of their flaccid state. So if your penis is 2 inches in flaccid form, it will increase up to 5 inches in the erected form. Next, female vagina is only 6 inches in length and the outer 2 inches area is highly sensitive. So whenever you have to concentrate, you have to concentrate on the area where there is a maximum nerve ending and that is only 2 inches. So if your penis is plus 3 inches and the rigidity is good, then you can satisfy your partner very well. Chinese people have very small penis in comparison to Asian people, but still they are the largest population producer of the world. In the last but not the least, there is one funny statement. The longest penis in the world is of Roberto E. Cabrera of Mexico. He lives in Saltillo city of Mexico and his penis is 18.5 inches and he is medically disabled. He is not able to perform any work in the routine life. So he is on medical disability. मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे आने वाली नॉलेजेबल वीडियोज़ आपका जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सर्वे संतु निरामया।